हे गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है दिव्यांशु झा और चलिए आज की टेक न्यूज हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, लास्ट ईयर जब एप्पल का लॉन्च इवेंट हुआ था उसमें हमें कई सारे डिफरेंट पावरफुल प्रोडक्ट्स देखने को मिल गए थे। आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, मैकबुक हो गया और कई सारे ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल गया था। और दोस्तों, लीक्स के हिसाब से अभी एप्पल का एक और लॉन्च इवेंट होने जा रहा है, शायद यह आपको मार्च या अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। वैसे अभी तक इसका ऑफिशियल डेट कोई नहीं निकला है, पर हाँ ये श्योर है कि आपको अगला नया इवेंट देखने को मिल जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी अगर हम देखें तो इसका शायद 3 लॉन्च इवेंट हो सकता है, श्योर नहीं है पर शायद हो सकता है। और पिछले वाले इवेंट में जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था हमें उसका अपग्रेडेड वर्जन देखने को तो मिल ही जाएगा, साथ ही हमें कुछ नए प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाएगा जो पिछले वाले लॉन्च इवेंट में हमें देखने को नहीं मिला था। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे शायद देखने को मिल जाएगा iPhone SE Plus और iPhone SE 2021 वर्जन। सबसे पहले iPhone SE 2021 या फिर बोले तो iPhone SE 3 की बात कर ले। अगर इसके स्पेक्स की बात करें तो अभी तक ज्यादा कुछ स्पेक्स तो हमें देखने को नहीं मिला है, पर शायद इसमें आपको 5.4 इंच का रेटिना IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके मेन कंपोनेंट यानी कि अगर इसके हम SoC की बात कर ले तो इसमें आपको शायद देखने को मिल सकता है A14 बायोनिक चिप। श्योर नहीं हो पाया पर बोला ये जा रहा है कि इसमें आपको शायद A13 भी देखने को मिल जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि पिछले वाले में भी हमें A13 ही देखने को मिला था, शायद अगर इसमें अपग्रेड करें तो शायद हमें इसमें A14 बायोनिक चिप भी देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें iPhone SE Plus की तो बोला ये जा रहा है कि उसमें शायद आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, या फिर बोले तो अगर आपका जो मतलब फ्रंट का हिस्सा रहेगा उसमें आपको पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अगर भी इसके कंपोनेंट की बात करें तो बोला ये जा रहा है कि इसका कंपोनेंट iPhone SE 3 के जैसा ही, यानी कि इसमें भी आपको शायद A14 बायोनिक चिप ही देखने को मिल सकता है। वैसे अगर iPhone SE 3 या फिर iPhone SE 2021 की बात करें तो इसमें आपको शायद 4GB रैम वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा, और अगर इंटरनल की बात करें तो इसमें आपको शायद 64/128 और 256GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके प्राइसिंग की बात करें, वैसे अभी तक इसका कुछ लीक भी हमें देखने को नहीं मिला है, और अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो शायद ये लॉन्च हो जाएगा 36,000 या फिर 36,000 के अराउंड, ऑलमोस्ट अराउंड आपको $500 के अराउंड में शायद ये देखने को मिल सकता है। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा iPad Pro 2021 वर्जन। इसमें एक्चुअली आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली पहले वाले वेरिएंट में भी आपको देखने को मिलता ही था, 12.9 इंच और 11 इंच वाला वेरिएंट। अगर इसके मेन कंपोनेंट यानी कि SoC की बात करें तो पिछले वाले से ये अपग्रेडेड होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको A14 बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगा, और ऑब्वियसली इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले वाले से काफी ज्यादा बूस्टेड हमें देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर इसके होल साइज की बात करें तो बोला ये जा रहा है कि इसका साइज तो वैसे छोटा होने वाला है, पर बेजल्स जो है वो काफी ज्यादा हद तक पतला होने वाला है, जिसकी वजह से स्क्रीन का साइज तो वैसा ही रहेगा पर टैबलेट का जो साइज है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे एप्पल का एयर टैग भी देखने को मिल जाएगा। वैसे एप्पल एयर टैग के बारे में अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है, कुछ भी हमें लीक्स देखने को नहीं मिला है। लॉन्च होगा भी कि नहीं होगा ये अभी तक श्योर नहीं है, पर हाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये शायद लॉन्च हो जाएगा। चौथे प्रोडक्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे iMac देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पता हो तो iMac एक्चुअली एप्पल का कंप्यूटर वाला वर्जन है, और सिंपली बोले तो ये काफी टाइम से अपग्रेड या फिर लॉन्च नहीं हुआ है, और बोला ये जा रहा है कि इस बार हमें इसका अपग्रेडेड वर्जन यानी कि पिछले वाले से काफी ज्यादा बड़ा अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। इसमें एक्चुअली बोला ये जा रहा है कि इसमें आपको एप्पल का नया सिलिकॉन M1X चिप देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर रिड्यूस हुआ तो M1 चिप भी आपको देखने को मिल सकता है। फाइनली बात करते हैं मैकबुक की, तो यहाँ पे हमें मैकबुक प्रो 2021 का थोड़ा बहुत लीक्स हमें देखने को मिल गया है। एक्चुअली इसमें एप्पल का नया सिलिकॉन देखने को मिल सकता है, आपको एप्पल M1X चिप या फिर एप्पल M2। लास्ट ईयर एक्चुअली ये 13 इंच वाले वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, और 13 इंच की बात करें तो एप्पल एयर का मैकबुक एयर का भी वही साइज था 13 इंच। पर अगर एसीआर की बात करें तो इसमें आपको साइज देखने को मिल सकता है 14 इंच और 16 इंच वाला वेरिएंट। और अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन टोटली डिफरेंट होने वाला है, बोला ये जा रहा है कि इसमें आपको एक्चुअली iPhone 12 का थोड़ा बहुत कंपोनेंट डिजाइन के मामले में आपको देखने को मिल सकता है, और ये पहले वाले से काफी ज्यादा पतला होने वाला है। और दोस्तों, अगर फाइनली मेन कंपोनेंट की बात कर ले M1X या फिर M2 की, तो अभी तक इसका कुछ भी हमें लीक्स देखने को नहीं मिला है, पर कहीं कहीं पे बोला ये जा रहा है कि इसमें आपको 12-core CPU वाला M1X देखने को मिल जाएगा, या फिर 16-core वाला। वैसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आपको 12-core CPU वाला M1X चिप देखने को मिल सकता है।
M1X एक्चुअली ऑफिशियल तो नहीं है पर बहुत सी जगह में M1X ही मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों आज वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इस लॉन्च इवेंट के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।